ये नुस्खा बच्चों, बड़ों और ख़वातीन के लिए भी मुफीद है। जो हजरात दुबलेपन से तंग हैं, सिर्फ एक महीने के इस्तेमाल से बदन फरबा और खूबसूरत हो जाएगा। पिचके गाल, बदनुमा चेहरा खुशनुमा बन जाएगा। हड्डियों का ढांचा शख्स फरबा होकर बारोब शख्सियत का मालिक हो जाएगा। चेहरा खूबसूरत होगा, जिस्म में खून पैदा होगा। आपकी सूखी टांगें, सूखे बाजू मजबूत और तवाना हो जाएंगे। ये कमज़ोरी को ख़त्म करेगा। इसके इस्तेमाल से आपकी जो भूख है बेहतर होगी। जो लोग सिर्फ दो नवाले खा सकते हैं, भूख नहीं लगती, वो खाएंगे और जो खाएंगे वो जुज़्वे बदन होगा। कमज़ोरी ना ताकती ख़त्म होगी और इसके अलावा आपका जो वज़न है वो बढ़ेगा। आप तंदुरुस्त और ख़ूबसूरत जवान नज़र आएंगे। इस नुस्खे को किस तरह बनाना है, इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पेज की बायो में मौजूद है। YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने सिंघाड़ा लेना है खुश्क, और इसके साथ आपने मगज़ तरबूज लेना है, मगज़ खरबूजा लेना है, मगज़ बनौला लेना है। ये तमाम चीज़ें आपने 60-60 ग्राम लेनी है, ठीक है। मगज़ पिस्ता 50 ग्राम लेना है, मगज़ चलगोज़ा लेना है, आपने काजू लेना है और साला मिस्री लेनी है। ये चीज़ें 40-40 ग्राम लेनी है, ठीक है। इसमें 120 ग्राम मिस्री डालनी है। इन तमाम चीज़ों का सफूफ बना के आपने रख लेना है सुबह और शाम दो टाइम। आपने खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है। छोटे बच्चे आधा चम्मच और बड़े लोग एक चम्मच इस्तेमाल करेंगे एक गिलास दूध के साथ। कम अज़ कम आप इसको एक महीना इस्तेमाल करें। आपके जिस्म की जितनी भी कमज़ोरी है वो ठीक हो जाएगी। उठते बैठते आपको चक्कर आते हैं, आँखों के आगे अंधेरा आता है, ये जितने भी कमज़ोरी के मामले हैं बेहतर हो जाएंगे। आपका वज़न बढ़ जाएगा, चेहरा जो है वो खूबसूरत हो जाएगा और जिस्म में खून पैदा करेगा।